सो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग चाहते हैं, मैं अपने बाहर रोबोट गेम प्लेइंग कर रहे हैं और आज की वीडियो हमारी एक खास टॉपिक पर है दोस्तों। तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर गिफ्ट मैराथन जो चल रहा है और यहाँ पर 14 गिफ्ट्स आपको डेली मिल रहे हैं। डेली एक एक करके गिफ्ट्स मिल रहा है। ये मेरा 30वां गिफ्ट है, तो मैं इसमें यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि ब्लू डाटा पैड सिल्वर में। और एक लास्ट टाइम बच रहा है जो कि कल मिलेगा, तो वो देखेंगे। हो सकता है वो एक्साइटेड से भरा रिवॉर्ड हो, क्योंकि लास्ट रिवॉर्ड जो भी होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बेहतरीन होता है दोस्तों। तो आज के टॉपिक पर हम आते हैं घूम फिर करके। तो जो हमारा टॉपिक था वो ये था, मैंने आपको लास्ट पिछली वीडियो में बताया, आपने देखा हो, तो उसमें एक बेस्टोन स्लेयर जो है चल रहा है, बेसल स्लेयर, यहाँ पर एक बंदे ने 4200, लगभग 250 मानो इसको, एक पॉइंट कम है, तो यहाँ पर उसने जो है इतने पॉइंट कमा लिए हैं 4250। और नीचे माइलस्टोन रिवॉर्ड्स में आप देख सकते हो 25, 250 और 500 और 800 के ये सारे प्राइसेस हैं। और फर्स्ट आने पर ये मिलेगा आपको गोल्ड रेड डाटा पैड गोल्ड। तो जब हमारे पास 6 दिन थे तो मैंने तो कहा था इसको बाद में खेलेंगे, अब यहाँ पर मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। यहाँ पे 1 दिन 21 आवर्स बचे हैं, तो चलिए अब इस देखते हैं 1 दिन 21 आवर्स में क्या हम इसको कलेक्ट कर पाएंगे गोल्ड वाले को या नहीं, ये देखना दोस्तों बाकी है। या फिर हम सेकंड आते हैं, हम आते ही कहाँ हैं। अभी हम रैंक देख सकते हैं, हमारी रैंक जो है वो पूरी की पूरी 30 पर है दोस्तों। और इसके अंदर ही आपको मतलब जितने भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं उसके अंदर आपको 30 ही दिए जाते हैं। यहाँ पर मेरी रैंक 30 पर है, इसमें करना क्या है कुछ नहीं, बस आपको एक्सटर्मिनेशन मोड खेलना है और यहाँ पर उसमें 1,00,000 डैमेज पर आपको एक ऑनर पॉइंट मिलेगा दोस्तों। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सटर्मिनेशन ही खेलिए। तब चलिए भाई, हम तो एक्सटर्मिनेशन ही खेलने जा रहे हैं, हमारे पास कोई और टास्क नहीं बचता है। और एक्सटर्मिनेशन में भी आप देख सकते हो सिर्फ 1 आवर बचा है, उसके अंदर भी जो है इतना ही टाइम बच दिया गया है इसको कम्प्लीट करने के लिए। इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो 1 लेवल है और ये रहा टाइम, 1 दिन 21 आवर्स। इसके भीतर आपको जितना भी आपको करना है, मतलब जितना भी डैमेज देख सकते हैं आपको दीजिए और रैंक फर्स्ट आने की कोशिश करें। यहाँ पर पहले हम खेलेंगे ग्रीजन के साथ। ओ भाई कितना बड़ा है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा भाई, सीरियसली यार, इसको तो कोई देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सामने वाला कोई और दूसरा रोबोट होता ना गाइस, सही बता रहा हूँ, मतलब तो मर जाता है, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सब कुछ और भी आ रहा है क्या, क्या छोड़ रहा है भाई, बड़ा ही खतरनाक चीज थोड़ी सी मेरे पे। यहाँ पे टाइम के देखो एक यहाँ पे नहीं मिल गया, पूरे 10 मिनट तो हमारे पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे मैं चल रहा है भाई। मुझे पता नहीं था ये रहेगा कि शुरुआत में मैं उन्हें रोबोट अब चेंज करने पड़ेंगे, जिनके पास गन्स अच्छी है और जो पास से डैमेज कर सकते हैं उनको। देखो पूरा इसका तो मेरे को मारने में लग रहा है भाई सारा टॉपिक, कि एक भी गंस ऐसा नहीं है कि कहीं और मार पा रहा हूँ, सारी मेरे को ही मार रहा है, मेरे को टाइम लग रहा है भाई। वो लगता है इस बार तो ना होते ओह सतंदर सुनने आ गए, जरा सतंदर आते के साथ ही कितनी जल्दी वहाँ होते कैसे भाई, ओवर पे भी छोड़ रहा है सुंदर को तो भाई मार देगा। आया ना आया, उठ पा रहे क्या भाई, अरे इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कैसा प्लेयर बनाया भाई, कैसा एनिमी है, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसके बाद मेरा मरने वाला है बस, इसके बाद कोई और पॉइंट्स नहीं बचे, हम डायरेक्ट ही मर जाएगा। तो बस यही है, थोड़ा सा मैं बच के रहना चाहिए बस। इसको कितने तरीके भाई, क्या बोलूँ, कितने तरीके गन से इसमें कभी क्या कभी लगाएगा बस, सब थोड़ा ऐसी कर सकते हैं बस, कभी घर के साथ चलो कभी घर के साथ। वो बस भी कर भाई, तुम्हारे रोकेट कहाँ से ला रहा है, तो कभी इसने बड़ा वाला रोकेट छोड़ दिया, मोटे मोटे टांग से सुंदर से कुछ नहीं कहते रोकेट छोड़ा भाई, मुझे लग रहा है पूरा कंप्लीट पैकेज है भाई, कभी कुछ छोड़ रहा है तो कभी कुछ छोड़ रहा है भाई, लगता है पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, कभी कुछ कुछ भी नहीं होता सकता भाई। गया भाई, गया अब तो लगता गया भाई, तो पकड़ा गया भाई, अब नहीं छोड़ेगा मैं भैया, छोड़ गए बाकी। तो हमारे पास आपका रोबोट का कोई है नहीं इस फेस्टिवल से, ला लियो लिनक्स के अलावा, तो मुझे नहीं लगता लिनक्स काम कर पाएगा। इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, सबसे मेन चीज़ तो यही, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कौन कितने मारने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
पे देख सकते हो भाई कितने वाले को कोई फर्क नहीं है। अच्छे ये पहले इसको खत्म करता हूँ भाई, होते मेरे को जो है खत्म कर देगा। उसके बाद देखिए खत्म करना जरूरी है भाई। बचिया रोकेट आ गए थे भाई, रोकेट बात हो गया भाई और दम के साथ भी करना भाई जरूरी भाई। तो कोई पावर दिखी नहीं रही भाई, क्या बताऊँ मैं, तो कोई पावर मेरे को दिखी नहीं रही। पावर कम होती दिखाई नहीं दे रही भाई इसकी, तो पूरी भरी पड़ी है। आ जा मेरे पास और कुछ आइटम नहीं भाई, मेरे पैसे मारना पड़ेगा तेरे को। आ जाएगा तो किस किस से तू बचेगा, बच्ची बच्ची के वो भागेगा किधर उधर ऐसे कैसे कैसे। अब मुझे थोड़ा बचना पड़ेगा, थक गया भाई थक गया। अब यही लेते हैं भाई टाइटन, उसके बाद हमारा टाइटन रेडी हो जाएगा। यहाँ पर 2 मिलियन का डैमेज दे सकते हैं हम, 2 मिलियन स्कॉल टू बीस भाई देख रहे हो इसकी येलो लाइन को मैं सिर्फ क्रॉस ही नहीं कर पा रहा भाई, क्या बात है मजेदार है। टाइटन की तो भारी पड़ गया, मुझे कैसे लग रहा है बस टाइटन के बाद अगर बहुत चला चले थोड़े मेरे पावर कम रहेगी, यानी कि वेपन्स की पावर कम रहेगी भाई। फिर मेरी इतनी समझ में नहीं आ रहा भाई ये हो क्या रहा है, कम जगह सुखी जो रहा फर्क नहीं पड़ रहा है मैंने यूज करो भाई। कार पर चलो उभार चुका हूँ प्रो जोन की मैक्स लेवल अपडेट करी हुई मदद से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने एक बार में क्लियर कर दिया, तो भाई चलते हैं सीधा अपना टाइपन की तरफ, यहाँ पे इसको अटैक करते हैं और देखते हैं कि हम जीत पाएंगे या नहीं। भाई 40 सेकंड रह चुके हैं पूरे पूरे, डैमेज पहुंच चुका है भाई 10 मिलियन का, अरे आ गया भाई 10 मिलियन का डैमेज पहुंच चुका है पूरा। अगर मैं आज बाहर निकल गया तो भाई मेरे को मर गया पहली बार, मेरे को डाउट था कि मेरे को ये सामने वाले मार देते भाई। फिर स्टोरी मिल गया भाई प्लेटिनम पॉइंट्स के साथ, मजा आ गया भाई भाई साहब।
डील एज मच डैमेज एज पॉसिबल विद द टाइटेनियम वन बैटल। यानी कि मैंने भाई इसको 70 लाख है, कितना 7 लाख, 7 लाख का डैमेज दे दिया, बाकी भी डैमेज दे दिया, मजा आ गया भाई। टोटल डैमेज पड़ा हमारा 11 मिलियन का, नहीं 1,11,38,000 का, यहाँ पे 70 लाख का इसको डैमेज दिया टाइटन के साथ, मजा आ गया। 31 किल करें, ज़्यादा नहीं करें, चलते हम अपने रिवॉर्ड्स की तरफ। कोई हुआ यहाँ पे, मैं क्रेट टोकन मिल गया है 250, ये मिले 50 लाख, कितना है हाँ दोस्तों 50 लाख सिल्वर यानी 5 मिलियन, बाकी 3 दिन में 250 रेट का ऑल क्लेम कर लेते हैं दोस्तों। अब देखना ये कि क्या हमने इसको क्लेम कर लिया है, तो मुझे तो लगता नहीं अभी दोबारा भी मिल पाएगा, ये एक ही बार के लिए था भाई, सेकंड टाइम के लिए नहीं था, इसको हमने कलेक्ट कर लिया है। और हम चल के देखते हैं अपना स्कोर कितना बना पाए, हमारा स्कोर भाई वाह, एक ही फाइट खेली है दोस्तों मैंने और रैंक आ गई है 30 से 19 पर, यानी एक फाइट में हम कलेक्ट कर पा रहे हैं 100 का एवरेज लेके चलते हैं, 11 कलेक्ट कर पा रहे हैं लेकिन 100 का एवरेज लेके चले तो मैं कितनी फाइट खेलनी पड़ेगी दोस्तों, ओहो हो 10 फाइट खेलेंगे तो 1000, 4 फाइट खेलने पड़ेगा 400, 40 फाइट खेलनी पड़ेगी, 800 के 40 फाइट खेलनी पड़ेगी। मैं भाई फर्स्ट पे आकर दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, यहाँ पे इन तीनों में कॉम्पिटिशन है भाई, ये तीनों ही लेना चाहते हैं जो कि है गोल्ड टाटा पैट, और मैं इन तीनों को यहाँ पर हरा करके ही दिखाऊंगा दोस्तों। चलिए अभी इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद, और जाने से पहले मैं इसको प्रैक्टिस कर लेता हूँ।